हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौतम। आपका स्वागत है प्रो प्रोडक्ट रिव्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट मेनली फोटोग्राफर्स एंड यूट्यूबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूट्यूबर यूज़ भी करते हैं और जो यूट्यूबिंग करना चाहते हैं या यूट्यूबर यूट्यूबिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपको अगर स्टेबल वीडियोज़ चाहिए और आपको अगर मीन्स कैमरा हैंडलिंग असिस्टेंट चाहिए तो इसके लिए आप ट्राइपॉड का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस ट्राइपॉड का आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ वो ट्राइपॉड मैंने अमेजोन से ख़रीदा था और मैंने एक महीने पहले से इसको ख़रीदा है और मुझे अभी इस प्रोडक्ट के क्या कॉन्स है और क्या प्रोज है वो समझ में आ रहे हैं। तो अभी तो मुझे एक महीना हो गया है ये ट्राइपॉड ख़रीदे हुए, तो अभी मैं आपको इसका रिव्यू बताऊँगा और साथ ही इसका अनबॉक्सिंग भी बताऊंगा। ये जो मैंने ट्राइपॉड ख़रीदा है दोस्तों, तो ये है टाइगोट, इसकी प्राइस लिखी है 1999, और जो कि मैंने अमेजोन से 350 रुपये में ख़रीदा है। इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह सब मैं आपको बता दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। इसमें मैं आपको इसको ये ट्राइपॉड अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये दोनों बातें मैं कवर करूंगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन अभी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हमारे पास आ गया है अमेज़ॉन से हमारा नया ट्राईपॉड जिसका नाम है टाइगोट। और तो दोस्तों, इसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी आई है और इस अनबॉक्सिंग वीडियो को मैंने एक्चुअली 2x मोड पे लगाया है, इसलिए ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है। अभी तो मैं एक हाथ में अपना कैमरा लेके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अभी तो ट्राइपॉड आया है, मैंने स्पेशली ये ट्राइपॉड अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाने के लिए लिया है। और आपको भी अगर अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाना है या फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आप, तो आप बेसिकली ये ट्राइपॉड तो ज़रूर लीजिए। इसका मॉडल नंबर है 3110 और मेड 50 रुपीज़ में मुझे मिला है। इसके स्पेसिफिकेशन स्पेशली देखा जाए तो इसका बॉडी जो है वो एल्यूमिनियम से बनी है और इसकी हाइट मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी हाइट मिनिमम 350 mm है और मैक्सिमम 1020 mm, विच मीन्स ये 3 feet 5 inch तक के इसके हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी आई है, इस कवर में आपको मिल जाता है ये ऐसे। इसका दोस्तों हेट जो है वो पहले से निकल के आता है, तो जब मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया तो मुझे लगा कि कुछ डैमेज होगा, लेकिन ये हेट सेपरेटली आता है, इसे हम बाद में फिट कर सकते हैं। उस हेड में हम मोबाइल होल्डर लगा सकते, होल्डर के लिए यूज़ में आता है, या फिर आप उसमें कैमरा भी अपना लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ये जो 3 notches है, ये नॉच एक्चुअली आपको इसके लेग्स निकालने के लिए या इसके साइज़ एडजस्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्पिरिट लेवल मीटर भी है जिससे कि हम इसकी स्ट्रेट कितना स्ट्रेट है वो टेस्ट कर सकते हैं। और इसके स्क्रूज़ भी बहुत कंफर्टेबल है, मीन्स वी कैन ईजिली ऑपरेट दिस। तो दोस्तों, इसके मैं आपको इसका खोल मतलब स्टैंड पे दिखाता हूँ। तो ये है इसकी मिनिमम हाइट, तो जैसा कि देख सकते हैं ये स्पिरिट लेवल है, इससे आप आपका कैमरा स्ट्रेट है या कैसा है उसका डिटेल में देख सकते हैं। और इसमें आप अपना मोबाइल या फिर कैमरा फिट करके वीडियो शूटिंग कर सकते हैं। इसका ये नॉब ओपन करने के बाद, जैसे कि इसका ये लेग फर्स्ट लेग खुल रहा है, वैसे ही और 3 legs है इसमें।
अभी मैं आपको इससे पूरा खोल के दिखाता हूँ। एक तो ये देखिए, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो कि अप्रॉक्स 3.5 फीट तक के जाती है, 4 फीट भी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर का जो बीच वाला जो सेक्शन है वो भी ऊपर होता है। तो दोस्तों अभी ये 1 महीने के बाद मैंने जब इसे टेस्ट किया तो इसमें मुझे एक ही फॉल्ट दिखाई दिया कि ये जो है ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल वगैरह लगा दूँ तो ये थोड़ा एक साइड झुक जाता है, जिससे कि अपना वीडियो थोड़ा इंक्लाइंड में हो जाता है। और इसके अलावा इसका जो लेग है, जब हम उसे लॉक में ही रखते हैं तब भी उसे थोड़ा खींचने के बाद वो लेग भी निकल आता है। तो इसके नॉच जो है, जो लेग्स को होल्ड करके रखते हैं, वो भी इतने टाइट नहीं है लेकिन चलता है उतना। वो तो एकदम माइनर डिफेक्ट है इसमें। और वो जो स्ट्रेटनिंग का है वो मेरे ख्याल से प्लास्टिक के थ्रेड्स होने के वजह से हुआ होगा, तो वो भी कुछ मेजर इशू नहीं है, आप उसके भी डील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब।